फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखेंगे और जानेंगे कि WhatsApp में आप PDF किस प्रकार से सेंड कर सकते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, काफ़ी अच्छी दमदार वीडियो होने वाली है। कई बार क्या है, आपको अपनी PDF किसी को सेंड करनी होती है, तो किस प्रकार से सेंड करेंगे, सिंपली जिस भी नंबर पर सेंड करना है उस पर सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इस प्रकार से ऑप्शन आपके सामने देखने को मिल जाता है। आप देख सकते हैं, इसमें एक ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है रुपये के ठीक लेफ्ट हैंड साइड में। आप देख सकते हैं जो कैमरा है, उसके बाद रुपए है, उसके बाद एक अटैचमेंट का ऑप्शन आप देख सकते हैं। सिंपली इस पर सेलेक्ट करेंगे तो आपकी अटैचमेंट ओपन हो जाती है। तो किस प्रकार से आपको PDF भेजनी, तो इसमें आपके सामने ऑप्शन है डॉक्यूमेंट का कैमरा, गैलरी, ऑडियो, लोकेशन, पेमेंट, कॉन्टैक्ट और पोल। सिंपली हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट में ही आपको PDF देखने को मिलता है, सिंपली सेलेक्ट करेंगे। जैसे हम सेलेक्ट कर देते हैं, कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आपके सामने देखने को मिल जाता है। आप देख सकते हैं जो करंट की जो लेटेस्ट होगी आपकी PDF यहाँ शो करी है, अन्यथा आपको इसी 3 डॉट पर सेलेक्ट करना है और इसमें स्क्रॉल करके डॉक्यूमेंट पर सिंपली सेलेक्ट कर देना है। जैसे हम सेलेक्ट कर देते हैं तो आपकी टोटल PDF इसमें देखने को मिल जाएंगी। जो भी PDF होगी, जो वर्ड फाइल होगी या फिर एक्सेल फाइल होगी, सब आपको देखने को मिल जाएंगी। आप देख सकते हैं जिसको भी आपको सेंड करना है उस पर सिंपली सेलेक्ट करेंगे। जैसे हम सेलेक्ट कर देते हैं तो आप देख सकते हैं इसमें एक ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहा है सेंड और कैंसिल का, सिंपली इस पर सेंड के ऑप्शन सेलेक्ट कर देंगे। जैसे हम सेलेक्ट कर देते हैं तो आप देख सकते हैं आपकी जो PDF है सेंड हो जाती है। इस प्रकार से आप अपनी PDF को WhatsApp के द्वारा किसी को भी सेंड कर सकते हैं। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा चैनल देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।